सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई नी वीडियो। एंड गाइज, आज हम बात करने वाले हैं अमेजोन फ्लेक्स से रिलेटेड। बिकॉज गाइज, अमेजोन फ्लेक्स में बहुत सारे बंदे ज्वाइन हो रहे हैं। एंड गाइज, ज्वाइन होने के बाद उनके बहुत सारी कन्फ्यूजन्स आ रही है। इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। इसमें गाइज आपको ये क्लियर हो गया कि जब आपकी पहले दिन रहती है अमेजोन फ्लेक्स में तो आपको क्या करना रहता है। मतलब रहता है ना कि हम लोग वेयर हाउस कहाँ है, कितना पार्सल मिलने वाला, किससे मिलना है, कहाँ जाना है, तो सारी जो डाउट्स है इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी अगर आपका पहला दिन है। इसके बाद गाइज, अगर आपका पहला दूसरा दिन हो गया, इसके बाद जब पार्सल डिलीवर करने जाते हो, स्टार्ट करते हो, तो कंफ्यूजन आती है कैसे डिलीवर करना है, ऐप में कैसा कहाँ करना डिलीवर। तो गाइस, जैसे कि अपने जो रहता है फ्लेक्स में, अपने तीन प्रकार के पार्सल रहते हैं। पहला रहता है कि प्रीपेड, जो कस्टमर ऑलरेडी पे किए रहते हैं, सिर्फ हमें पार्सल उनको डिलीवर करना रहता है। दूसरा रहता है उनसे कैश लेना रहता है। तो कन्फ्यूजन रहते हैं, हम कस्टमर से कैश कैसे लेंगे, कौन से ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो गाइस, ये भी डाउट सबको क्लियर होगा। तीसरा जो रहता है ओटीपी, तो गाइस ओटीपी के बिना पार्सल डिलीवर होगा नहीं होगा, वो भी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएगी। तो गाइस, अभी फिलहाल हम फटाफट चलते हैं वेयर हाउस, वहाँ का एक बार आपको व्यू दिखा देंगे वेयर हाउस का। एंड गाइस, इसके बाद आपको पार्सल दिखाएंगे उधर कितना देर है। इसके बाद जब हम जाएंगे प्लेस पर डिलीवर करने, तो उधर आपको सारी डाउट्स क्लियर करेंगे कि अनडिलीवर कैसे करना है, रिजेक्ट कैसे करना है, कैंसिल कैसे करना है, डिलीवर कैसे करना है, कैश कैसे लेना है, अगर किसी को कैश, जो कैश ऑन डिलीवरी पार्सल है, अगर उनको ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन कैसे करना है, सारी डाउट्स क्लियर होंगे। तो गाइस, चलिए फिलहाल इधर से चलते हैं वेयर हाउस एंड मिलते हैं आपको वहाँ पे। सो गाइस, फाइनली हमने अपने पार्सल्स ले लिए हैं। नीचे से हमें डीपी मिला, डीपी जो जिससे हमें पेमेंट आती है, इसके बाद पार्सल देते हैं। तो ये देख सकते हो पार्सल हमें मिल गए, 35 पार्सल आपको मिलता है यहाँ पे। और अलग स्टेशन पे अलग होगा रूल, तो उसका मैं बता नहीं सकता, लेकिन आपको ज़्यादातर 30-35 पार्सल ही देते हैं गाइस। तो फिलहाल देख सकते हो इधर पार्सल है, अभी हम लोग को सॉर्टिंग करेंगे एरिया। सॉर्टिंग करने के बाद हम पार्सल लाइन से बैग में भरेंगे, इसके बाद आपको मिलते हैं गाइस। सो गाइस, जैसे आपको पार्सल मिल जाता है, इसके बाद आपको जाना है, आपको ना तो स्कैन करने के बाद ना गाइस आपको पिकअप का ऑप्शन खुद ही आएगा। नहीं आएगा तो इधर पिकअप लिखा हुआ है, पिकअप पे क्लिक करने का आपको जो ये पार्सल्स पे ना बारकोड दिखेंगे गाइस, और देख सकते हो जैसे कि ये सब बारकोड। अभी जैसे कि ये बारकोड मैं इसको स्कैन करूँगा, देखो ये पिक ग्रीन होगा, मतलब पिक हो गया। देखो सभी गाइस, सभी 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 पिक करना, जितने भी आपको पार्सल मिलेंगे सारे पिक करना है गाइस। ऐसे करके आपको 35 जो भी आपको जितने भी पार्सल उधर से मिलेंगे सबको पिक कर लेना है। पिक करने के बाद गाइस क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। फाइनली हम आ गए हैं बिल्डिंग पे, इस बिल्डिंग का एक पार्सल है और देख सकते हो इधर लोकेशन। जो मेन चीज़ मुझे इस ऐप की अच्छी लगती है ना गाइस, वो है कि आपको परफेक्ट लोकेशन दिखाता है। हाँ, हो सकता है कि 10% 20% आपको थोड़ा रॉन्ग दिखा दे कहीं का लोकेशन, लेकिन ज़्यादातर आपको सही दिखाता है। जैसे कि अभी देखो, मैं इधर पॉइंट आपको दिख रहा रहेगा, ये रहा पॉइंट और ये रहा पार्सल। इसमें जो पार्सल से आपको तीन प्रकार का देखने को मिलते हैं, एक है जो कस्टमर से हमें कैश लेना होता है, और एक है जो कस्टमर को से कैश नहीं लेना रहता, और एक पार्सल जो हमसे ओटीपी लेना पड़ता है, भले वो कैश वाला हो या प्रीपेड हो। जैसे कि अभी कैश में देखो, मुझे एक कस्टमर का कैश लेना, तो इसमें मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि इसका कैश वाला है। तो गाइस ये नीचे देख सकते हो, इधर प्रीपेड नहीं लिखा है, इसका मतलब ये कैश वाला है, इससे हमें पैसा नहीं लेना रहता ना गाइस। तो ये देखिए इधर लिखा हुआ है प्रीपेड, तो ये नंबर है 79, इसके नीचे आपको प्रीपेड लिखा रहेगा, तो मतलब पैसा नहीं लेना है। अगर इसके नीचे अगर पार्सल के नीचे को कुछ नहीं लिखा है, तो समझो इस कस्टमर से हमें पैसा लेना है। तो गाइस, और एक ओटीपी वाला जो पार्सल है, तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ बैग के अंदर। और जैसे कि ओटीपी वाला ज़्यादातर सर गाइस ना ऐसा थैली में आता है, देखो ये थैली वाला आता है, इसको स्कैन करोगे ना तो आपको ओटीपी मांगेगा, जो कस्टमर से लेनी पड़ती है। और भी एक पार्सल जो मैं आपको दिखा देता हूँ ओटीपी वाला, देखो गाइस ये भी हो सकता है, ये भी ओटीपी, क्योंकि जो ऐसा थैली में आता है ना गाइस, अमेजोन का थैली लिखा रहता है, ज़्यादातर वो ओटीपी वाला ही रहता है। तो गाइस जैसे आप इसको स्कैन करोगे ना, तो आपको ओटीपी खुद ही मांगेगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और आपको मोबाइल में भी दिखा देता हूँ कि कैसे मालूम पड़ेगा कि ये ओटीपी वाला है। सो गाइस, अगर आपको मोबाइल में पता करना है कि अपना कौन सा पार्सल ओटीपी वाला है, तो आप लिस्ट पे जाके देख सकते हो। जैसे कि 10 नंबर पे देखो, लेकिन नीचे लिखा हुआ है 1 टाइम पासवर्ड, और भी देख सकते हो, देखो इधर भी एक 1 टाइम पासवर्ड वाला, 21 नंबर 22 नंबर, इसके बाद आप देख सकते हो 24 नंबर, ये सब ओटीपी वाले पासवर्ड है गाइस। और ये जब तक आप ओटीपी नहीं लोगे, तब तक आप पार्सल भी डिलीवर नहीं कर पाओगे। तो ये तीन टाइप के पार्सल रहते हैं गाइस।
सो गाइस देख सकते हो अभी हमारा जो पार्सल यहाँ डिलीवर कर रहा है 13 नंबर बिल्डिंग 14 नंबर जो भी आपका बिल्डिंग रहेगा वहाँ डिलीवर करना रहेगा, तो वहाँ पे आपको आ जाना है। इसके बाद देख सकते हो इधर पार्सल्स पड़े हैं। एंड सबसे पहली बात तो आपको एंट्री करानी पड़ेगी यहाँ पे, जैसे वॉचमैन रहेंगे यहाँ पर आपको एंट्री करानी है। एंट्री कराने के बाद आपको देख सकना है कि कौन सा रूम नंबर है, उनको बताना है आपको रूम नंबर। एंट्री कराने के बाद फिर आपको पार्सल डिलीवर करने के लिए क्या करना रहेगा वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि मुझे ये पार्सल डिलीवर करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले ये अपना ऐप खोलूँगा। डिलीवर करने के लिए आपको 7 नंबर देखना है या एड्रेस उसमें देखना है। तो जैसे मैंने नंबर लिखे गाइस 7 नंबर, तो मुझे इजी पड़ जाता है फटाक से पार्सल निकालने में। तो मैंने समझो ये 13 नंबर बिल्डिंग, मैंने इस पर क्लिक किया डिलीवर करने के लिए स्टार्ट ट्रैवल। इसके बाद ये लोकेशन हमारा इधर ही है, आई एम पिक, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, स्कैन करना है। स्कैन क्या है, बारकोड जो ऊपर का है, स्कैन हुआ गाइस देख सकते हो। स्कैन होते ही आपको उसका नाम आ जाएगा, कुछ नहीं, सिंपल आपको उसके नाम पर क्लिक करना है। पार्सल जैसे हाथ में दोगे कंटिन्यू करके स्वाइप टू फिनिश, बस ये करना है। एड्रेस रूम नंबर देख लेना बरोबर, जैसे फ्लैट नंबर 104 है तो 104 में जाके बेल बजाना, बिल्डिंग देख लेना बस, ठीक है। इसके बाद ये हो गया नॉर्मल जो प्रीपेड पार्सल और डिलीवर कैसे करते हैं। तो गाइस अब आगे हम बात करेंगे कि अगर कैश वाला कोई पार्सल तो कैश वाला कैसे हम डिलीवर करेंगे, और कैश में किसी को ऑनलाइन करना है तो कैसे डिलीवर करना है, तो सब आपको आगे की वीडियो में मालूम पड़ेगा। फिलहाल अभी ये सब प्रीपेड पार्सल है चारों के चारों, तो इसे हम फटाफट डिलीवर करते हैं। इसके बाद आपको जो कैश वाला रहेगा उसमें हम आपको बताएंगे। तो अगर आपका समझो पार्सल किसी कस्टमर का कैंसिल है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे कि ये पार्सल है, कस्टमर बोल रहा है कि मैंने बुक नहीं किया है, कोई भी रीज़न का नहीं ले रहा है या कैंसिल करने के लिए भी बोल रहा है, तो आप क्या करोगे। सिंपल आपको ये पार्सल लेना है और नंबर देख लो, मैंने 4 नंबर लिखा है, तो मैं दिखाता हूँ कैंसिल करके आपको। ये देखो गाइस अभी जैसे कि मैं गया अपने टूडे, इसमें जाना पड़ेगा आपको, फिर 4 नंबर दिखा है और एड्रेस चेक कर लेना एक बार। इस पर देखो 17 नंबर 1201 श्री शाश्वत, 17 नंबर 1201 ये रहा 4 नंबर, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपको, आई एम स्टार्ट ट्रैवल करना है, आई एम अराइवल करना है। देखो इसमें अमाउंट भी मांग रहा है गाइस, तो ज़्यादातर जो अमाउंट रहता है वही कैंसिल होता है। तो जैसे मुझे ये कैंसिल करना है ऑर्डर, ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्कैन पार्सल पे क्लिक करना है, पार्सल स्कैन कंटिन्यू डिलीवरी। इसके बाद आपको जाना है ये वाले ऑप्शन पे गाइस, जो क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन दिख रहा है आपको, देखो ये इस पर क्लिक करोगे, ये आ गया गलत आ गया, क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करना है इधर, तो ये ऑप्शन नहीं आ रहा डिलीवर। अभी आपको क्या करना है, ये ऑप्शन अगर ना आए तो आपको बैक जाना है, यहाँ जो स्कैन किया इसके पास आपको क्वेश्चन मार्क क्लिक करना है, यहाँ पे स्कैनर का ऑप्शन, देखो इधर ऑप्शन आ गया, इधर है रिटर्न आइटम, रिटर्न आइटम पे क्लिक करने का, और इधर लिखा हुआ है रिजेक्ट नॉट रिक्वायर्ड, मतलब कस्टमर को नहीं चाहिए, मतलब कैंसिल। इसके बाद आपको ये स्वाइप टू फिनिश, हमारे पास एक पार्सल है जिससे आपको OTP वाला पार्सल और कैश वाला पार्सल दोनों क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस पार्सल में OTP भी है और कैश भी लेना है। तो मैं आपको बता दूंगा कि कस्टमर से OTP लेके और कैश कैसे लेते हैं, अगर कैश में उनको ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन का ऑप्शन भी दिखा दूंगा। ये रहा अपना पार्सल OTP और कैश वाला दोनों, तो पहले तो मैं उस पर जाता हूँ और लिस्ट में देख लेता हूँ। पार्सल नंबर मेरा 21 है, तो 21 पार्सल 21 21 21 किधर गया, हाँ ये देख सकते हो गाइस, इधर लिखा हुआ 1 टाइम पासवर्ड डिलीवरी और कैश भी लेना है, तो उस पर मैं क्लिक करता हूँ, वही सेम स्टार्ट ट्रैवल हम पार्क। इसके बाद इसको स्कैन करना है। सो गाइस देखो अभी इधर स्कैन का ऑप्शन आ गया है, स्कैन करता हूँ, देखो स्कैन करते ही OTP आ गया है। तो अभी वो कस्टमर ने बोला कि उनका ऑनलाइन, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ऑनलाइन कैसा रहेगा, ठीक है। OTP देखो मैसेज में आपको आया रहेगा, टू सिक्स ट्रिपल एट थ्री देन गाइस को सबमिट, इसके बाद नाम पे क्लिक करना है कंटिन्यू। हेलो सर, ऑनलाइन जीपे मारना है आपको, ठीक है, तो कलेक्ट पेमेंट एंड पे UPI कार्ड इसके ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद इधर स्कैनर देना है इनको, स्कैनर के लिए इधर अपन क्लिक करेंगे तो स्कैनर आ जाएगा, स्कैनर दे देंगे उनका पेमेंट डन हो जाएगा। ले लीजिए सर स्कैनर है, स्कैन करते हैं उनके मोबाइल में जो भी अमाउंट आ जाएगा देख सकते हो। इसके बाद जैसे वो पेमेंट करेंगे इधर डन हो जाएगा अपने आप, देखना भाई ये उनका पेमेंट होते ही डन हो गया। सो गाइस इधर पेमेंट देखो उनका डन हुआ, इधर अपना रिफ्रेश होके ये
पेमेंट सक्सेसफुल ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद आपको होम पे जाना है, होम पे जाने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड स्वाइप टू फिनिश। सो गाइस, ऐसे अगर आपका कैश पेमेंट है तो आप ऑनलाइन करवा सकते हो, ठीक है।